हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद मारू सिद्दीकी, योर साइंस टीचर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वन मोर टॉपिक फ्रॉम चैप्टर सेकेंड। द नेम ऑफ चैप्टर सेकेंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, मीन्स क्या हमारे चारों ओर उपस्थित पदार्थ शुद्ध हैं। लेट्स सी द टॉपिक। स्टूडेंट्स प्लीज लिसन केयरफुली। The name of topic is alloys. Alloys means आप ये कह सकते हैं mixture of metals और non metals, कि alloys जो है ये आपका mixture, मिश्रण होता है। आइए, in this chapter first of all we will go through the topic alloys. Alloys are mixtures of two or more metals or a metal and a non metals and cannot be separated into their कंपोनेंट्स बाई फिज़िकल मैथड। एलॉयज जो होते हैं ये मिक्सचर होते हैं, दो या दो से ज़्यादा तत्व, मेटल्स मतलब धातु, और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, तो दो या दो से ज़्यादा धातुओं का भी मिक्सचर आपके एलॉयज होते हैं, और या फिर एक मेटल या फिर नॉन मेटल दोनों को मिलाने से जो मिक्सचर तैयार होगा वो भी आपका एलॉय होगा। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इन टू देयर कम्पोनेंट्स बाई फिजिकल मैथड। अगर हम इस मिक्सचर को यानी एलॉयज के मिक्सचर को अगर भौतिक विधि से इनको अलग करना चाहें, इनमें शामिल कम्पोनेंट्स यानी कि जो भी आपने दो मेटल या एक मेटल एक नॉन मेटल ले रखा है, उन कम्पोनेंट्स को अगर हम अलग करना चाहें तो इनको हम फिजिकल मैथड मीन्स भौतिक विधि से इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर, और ये एक एलॉय जो है मिश्रण के रूप में बना रहता है। बिकॉज क्योंकि इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, क्योंकि इसमें एलॉयज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उस एलॉयज में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके शामिल हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज़ एलॉयज में शो होती हैं, और साथ साथ इनकी जो कंपोजिशन यानी इनका जो संगठन होता है एलॉयज के मिक्सचर का वो वेरिएबल मींस अलग अलग होता है। एग्जांपल जैसे कि ब्रास कहते हैं पीतल को। ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। पीतल जो है ये एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है, एलॉय है, जो कि 30% जिंक जस्ता से एंड 70% कॉपर मीन्स तांबा, इनसे मिलकर के आपका तैयार होता है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन, मीन्स किसी भी एक सॉल्यूशन, विलयन के गुण। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सोल्यूशन आर एज फॉलोज। सोल्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें कि कुछ जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। सेकेंड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन आर स्मॉलर दैन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^9 मीटर इन डायमीटर। मीन्स जो विलयन है उस विलयन के जो पार्टिकल्स कण होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटे होते हैं डायमीटर, यानी परिधि में अगर उनको हम देखें तो उसकी जो परिधि है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होती है। Therefore, इसीलिए they cannot be seen by naked eyes। अगर हम इन्हें अपनी खुली आँखों से नॉर्मली देखना चाहें तो हम इन्हें देख नहीं सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ड्यू टू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा छोटे कण होने के कारण दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। मीन्स जो विलयन है उस विलयन से आपका जो बीम ऑफ लाइट को कहते हैं प्रकाश पुंज। मीन्स अगर विलयन में अगर हम बीम ऑफ लाइट डालते हैं
तो वो बीम ऑफ लाइट जो प्रकाश पुंज है वो उस सॉल्यूशन में स्कैटर यानी बिखरता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके उस सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। सो इसलिए द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। इसीलिए आप किसी भी एक विलयन में जो आपका पाथ ऑफ लाइट है यानी जो आपका प्रकाश पथ है उस प्रकाश के पथ को विलयन में नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अ सॉल्यूशन इज स्टेबल, विलयन स्थायी होता है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। मींस सॉल्यूशन स्थायी क्यों होता है? सॉल्यूशन स्थायी इसलिए होता है क्योंकि जब आप कोई विलयन तैयार करते हैं और जब उसको बिना हिलाए डुलाए आप कुछ डिस्टर्ब किए हुए उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो जो नीचे की तरफ जा कर के नहीं बैठते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, और हम इस सॉल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्यूशन से या इस मिक्सचर से अलग भी नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यानी अगर आप फिल्ट्रेशन की क्रिया के द्वारा मिक्सचर से अगर आप सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलग करना चाहते हैं तो आप सॉल्यूट पार्टिकल्स को उस मिक्सचर से अलग नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने आप लोगों को एक टॉपिक एलॉयज के बारे में क्लियर किया और साथ में प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में बताया। आप सभी लोग इसको अच्छे से स्टडी करिएगा, पढ़िएगा और लर्न करिएगा। थैंक यू।